गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान से मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान शाह ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कहा गया कि भारत इस स्थिति से चिंतित है और इन मामलों में तेज कार्रवाई की मांग करता है। शाह के ऑफिस ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन से इतर बांग्लादेश के गृह मंत्री खान से भेंट की। दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी साझा मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। खान आतंकवाद के वित्त पोषण पर नियंत्रण को लेकर आयोजित तीसरे आतंक के लिए कोई धन नहीं यानी नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से ये दो दिवसीय सम्मेलन शुक्रवार यानी 19 नवंबर से शुरू हुआ था। इसमें 75 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे। इससे पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, भारत सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी सीमा नियंत्रण के लिए क्षमता निर्माण, आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और वित्तीय प्रवाह की निगरानी और रोकथाम तथा जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग करके टेररिज्म का मुकाबला करने के सभी प्रयासों में प्रतिबद्ध है। वैश्विक समुदाय को नो मनी फॉर टेरर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग के मोड, मीडियम और मेथड को समझकर उन पर कड़ा प्रहार करने में वन माइंड वन अप्रोच के सिद्धांत को अपनाना होगा। बता दें कि तमाम मुद्दों के अलावा बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर भी बांग्लादेश और भारत के बीच विस्तृत चर्चा हुई है। ये एक पुराना विवाद है जिस पर समय समय पर तकरार देखने को मिल जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर आतंक के लिए कोई धन नहीं यानी नो मनी फॉर टेरर विषय पर आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा भी लिया था। उस सम्मेलन में उनकी तरफ से दो टूक शब्द में कहा गया था कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला। उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। बता दें पिछले 9 साल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को 3,679 बार हमलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान 1,678 मामले धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और हथियारबंद हमलों के सामने आए। इसके अलावा घरों मकानों में तोड़फोड़ और आगजनी समेत हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हमले किए गए। इस साल मार्च में भी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित इस्कॉन राधा कांता मंदिर पर हमला हुआ था। वहां पर मंदिर में तोड़फोड़ भी हुई थी और कई चीजें चोरी भी हुई। अब उन्हीं घटनाओं को लेकर अमित शाह की तरफ से बांग्लादेश के सामने चिंता व्यक्त की गई। इससे पहले भी इस मुद्दे को लेकर भारत की तरफ से बांग्लादेश सरकार से बातचीत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।